वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से होंगे देखिए आज मैं आपको एकदम से यूनिक सा डिज़ाइन बनाना बताऊँगी ये दो रंग का डिज़ाइन है आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो खासकर बच्चों के लिए अगर आप बनाना चाहते हो या फिर लेडीज़ कार्डिगन के ऊपर गर्ल्स के लिए टॉप बनाना चाहते हो मफलर के ऊपर इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हो बनाने में बेहद आसान है बहुत जल्दी बन के कम्प्लीट होता है और इसे बनाने के लिए आपने जो फंदे डालने हैं वो थ्री के मल्टीपल में डालने हैं प्लस आपने टू फंदे करने हैं तो आपका डिज़ाइन सेट आएगा सिलाइयाँ आपने उनके अकॉर्डिंग देखनी है और बैक साइड से ऐसा दिखता है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये मैंने थोड़े से फंदे डाल लिए हैं बॉर्डर बनाने के बाद आपने क्या करना है सीधी तरफ से एक सिलाई सीधी बनाने के बाद आपने उल्टी साइड से सेकंड से कलर जोड़ लेना है उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन शुरू होगा फर्स्ट रो देखिए डिज़ाइन की हमने सेकंड कलर से बुनना स्टार्ट किया है तो ये दो फंदे हमने उल्टे बुनने हैं धागा पीछे ले जाना है ऐसे और एक फंदा स्लिप करना है फिर से हम धागा अपनी तरफ ले आएंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक बार फिर से बता देते हैं बॉर्डर बनाने के बाद सीधी तरफ से आपने एक सीधी सिलाई डालने के बाद आपने जब उल्टी सिलाई आपकी शुरू होगी तो आपने सेकंड कलर जोड़ना है तो आपने दो फंदे उल्टे बुनने हैं एक फंदा आपने धागा पीछे ले जाना है और एक फंदा स्लिप करना है फिर दो फंदे उल्टे बुनने हैं धागा पीछे ले गए एक फंदा स्लिप किया फर्स्ट वो आपने ऐसे ही कंप्लीट करनी है दो फंदे उल्टे धागा पीछे ले गए एक फंदा आपने स्लिप करना है दो फंदे उल्टे एक फंदा स्लिप करना है और दो फंदे उल्टे ये यहाँ पे एक फंदा एक्स्ट्रा है तो मैं दो उसका एक कर रही हूँ दो ही हमारे शुरू में होंगे दो ही उन्हें लास्ट में रखने हैं तो आपका डिज़ाइन ये सही से बनेगा ठीक है यहाँ पे एक फंदा एक्स्ट्रा था तो मैंने कम कर दिया है अब देखिए सेकंड रो पर आपने क्या करना है ये सेकंड कलर से जिससे हमने पहले रो बुनी है उसी से अभी हमने सीधे तरफ से फिर से बुनना है दो फंदे आपने उल्टे बुनने हैं धागा पीछे ले जाना है इस फंदे को आपने जो स्लिप किया होता है इसे आपने सीधा बुनना है धागा वापस अपनी तरफ लेकर आएंगे ये राइट साइड है दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे ले जाएंगे स्लिप किए हुए फंदे कब के बाद सीधा बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे ही अपने सीधे तरफ से सेकंड रो को कंप्लीट करना है तो देखिए सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है अब आ जाइए थर्ड रो थर्ड रो पर क्या करना है आपने फिर से बेस कलर लगाना है दो सिलाइयाँ हमने सेकंड कलर से बुन ली है अब हमने फर्स्ट कलर जो हमने पिंक कलर लगाया है इससे बुनना है तो अब हमने क्या करना है थर्ड रो को सारे फंदे उल्टा उल्टा, उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है थर्ड रो बार लाल स्टिचेस देखिए आपने जो सिलाइयाँ लगानी हैं आपने ऊन के अकॉर्डिंग लगानी है आपकी ऊन मोटी है तो आप मोटी सिलाइयाँ लगाइए बरी कून है तो आप पतली सिलाइयाँ लगाइए तो आपका डिज़ाइन सही बनेगा अब तीन सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं अब आ जाइए फोर्थ थ्रो पर आपने क्या करना है इसी कलर से आपने फोर्थ थ्रो सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं फोर थ्रो नीटा स्टिचेस चार सिलाई का डिज़ाइन है इन्हीं चार सिलाइयों को आपने आगे आगे रिपीट करते जाना है तो आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा बस ये चार सिलाइयाँ आपने रिपीट करनी है ये डिज़ाइन है ये अभी मैं आपको फिर से एक सिलाई डाल कर बता देती हूँ ये देखिए आपने जैसे फर्स्ट रो मैंने आपको बताया था सेकंड कलर से आपने बुनना है दो फंदे अपने उल्टे बुने हैं धागा पीछे ले जाना है एक फंदा स्लिप करना है धागा वापस से अपनी तरफ लाना है ये रॉन्ग साइड है फिफ्थ रो दो फंदे उल्टे धागा पीछे ले गए यानी कि राइट साइड को एक फंदा स्लिप किया धागा वापस अपनी तरफ लेकर आए दो फंदे उल्टे बुने, एक फंदा स्लिप किया दो फंदे उल्टे धागा पीछे ले गए एक फंदा स्लिप किया लास्ट के दो तो फंदे उल्टे इसके बाद की जो तीन सिलाइयाँ हैं वो आपने जैसे मैंने नीचे बताया है उन्हीं सिलाइयों को आपने रिपीट करना है तो ये डिज़ाइन है आपका और मैंने आपको बता ही दिया है शुरू में बताया है आपको ये देखिए ये डिज़ाइन है ये आप इसे ज़रूर से ट्राई करें बनाने में आपने देख लिया कितना आसान है और बहुत सुंदर बन के आया है ये आप इसमें लाइट कलर लगा सकते हो बेस कलर जो लगाओगे तो डार्क कलर से बनाओगे तो अभी अच्छा बनेगा अगर आप दोनों तो कलर डार्क लगाओगे तो भी अच्छा बनेगा तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है सिखाने का तरीका आपको अच्छा लगता है समझ आ रहा है अच्छे से तो आप लाइक भी क्या करें थैंक यू